बेड शोर या प्रेशर शोर हमें उन रोगों के अंदर देखने को मिलते हैं जो अधिक लंबे समय तक बिस्तर या व्हीलचेयर पर पैरालिसिस, स्पाइनल प्रॉब्लम या किसी अन्य रोग के कारण लेटे या बैठे रहते हैं। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण स्किन और स्किन के भीतर टिश्यूज़ पर लगातार दबाव पड़ने से इंजरी हो जाती है। एक ऐसा रोगी जो बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग करता है, उसको बेड सोर होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। बेड सोर मुख्यतः एड़ी, हिप्स, कूल्हे, कोन्ही, एल्बो, शोल्डर ब्लेड आदि पर अधिक पाए जाते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। उपचार प्रारंभ करने से पूर्व यदि रोगी के सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी मेडिसिन का चयन किया जाता है तो रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। एक कुशल होम्योपैथी चिकित्सक रोगी द्वारा बताए गए सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन का चयन करता है। हम यहाँ कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कई बार रोगियों को सिर्फ रोग के लक्षण के आधार पर दी जाती हैं। इस तरह से चयन की गई मेडिसिन को थेरापेटिक मेडिसिन कहा जाता है, परंतु इनमें भी भेद जान लेना बहुत आवश्यक है। पहले हम बेड सोर के लक्षणों को तथा बाद में मेडिसिन के लक्षणों के बारे में बताएंगे। बेड सोर की प्रारंभिक अवस्था में त्वचा लाल दिखाई देती है, जो बाद में उस स्थान पर खून की कमी के कारण नीली या बैंगनी हो जाती है। रोगी उस स्थान पर खुजली या दर्द महसूस करता है। अगली अवस्था में त्वचा पर फुंसी जैसी आकृति दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसकी अगली अवस्था में जब उस स्थान पर फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह त्वचा को भेद कर बाहर आ जाता है, जो हमें अल्सर के रूप में दिखाई पड़ता है। अगली अवस्था में ये अल्सर टिश्यूज तक फैल जाता है और धीरे धीरे गहरे से और भी गहरा होता चला जाता है। अगर इस अवस्था पर ध्यान न दिया जाए तो ये हड्डी तक पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन की। मेडिसिन बताने से पहले आपको फिर से याद दिला देना बहुत आवश्यक है कि उपचार प्रारंभ करने से पूर्व रोगी के सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि होम्योपैथी मेडिसिन का चयन किया जाता है तो रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। यहाँ हम जिन मेडिसिन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो थेरापेटिक मेडिसिन कहलाती हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन हमारे दिमाग में आती है वो है अर्निका। अर्निका उन रोगियों को दी जाती है जिनकी अफेक्टेड स्किन नीली या काली दिखाई देती है। नीलेपन के साथ उस स्थान पर बहुत अधिक दुखन होती है। रोगी कहता है जैसे किसी ने उसे मारा हो। वह उस स्थान को छूने नहीं देता और उसे ऐसा लगता है कि जिस पर वो लेटा या बैठा है वह बहुत सख्त है। अगर रोगी के अंदर ऐसे लक्षण हैं तो अर्निका ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अगली मेडिसिन है एपिस। एपिस प्रारंभिक अवस्था के लिए अति उत्तम कार्य करती है। इसमें त्वचा का रंग गुलाबी सा होता है और इस स्थान पर जलन होती है। रोगी उस स्थान को छूने नहीं देता और छूने से दर्द बढ़ जाता है। रोगी को गर्म कमरे में और बिस्तर में रोग बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। रोगी आराम पाने हैं तो खुली हवा में और स्किन को खुला रखना चाहता है। रोगी को ऐसा दर्द प्रतीत होता है जैसे किसी मक्खी ने उस पर काटा हो। वो स्थान देखने से भी ऐसा लगता है जैसे किसी मक्खी ने उसे काटा हो। अगली मेडिसिन है हमारे पास कार्वोवेज। कार्वोवेज में भी स्किन ब्लू होती है, लेकिन भेद यह है कि त्वचा गर्म होने के स्थान पर ठंडी होती है। अत्यधिक पसीना व शरीर में ठंडापन इस मेडिसिन का विशेष लक्षण है। कार्वोवेज में रोगी की त्वचा नीली, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड की धीमी गति के कारण होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से नीलापन आ जाता है। ठंडेपन, नीलेपन और पसीने के लक्षण के साथ रोगी को खुजली भी होती है। खुजली गर्मी के कारण बहुत बड़ी हुई प्रतीत होती है। रोगी को शाम के समय अत्यधिक खुजली प्रतीत होती है। इसके साथ साथ रोगी बहुत कमजोरी महसूस करता है। अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन के रोगी में बेड सोर से बदबूदार डिस्चार्ज होता है। अल्सर देखने में अत्यधिक सड़ा हुआ सा लगता है, अत्यधिक दुर्गंधित होता है। अल्सर में जलन जो कि रात्रि के समय अत्यधिक प्रतीत होती है।
इसके जलन में भेद यह है कि खुली हवा या ठंडक से जलन बढ़ती है और गर्मी से अफेक्टेड पार्ट को ढकने से या उसको हल्का सा सेकने से रोगी को आराम मिलता है। रोगी बार बार घूंट घूंट पानी पीता है और अत्यधिक बेचैन होता है। अगली मेडिसिन है हमारे पास सिलीशिया और हिपरसल्फ। सिलीशिया एक ऐसी चमत्कारी मेडिसिन है जिसका यूज़ अधिकतर पस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। सिलिका और हिपरसल्फ दोनों ही दवाओं में बेडसोर में पस निकलता है, लेकिन दोनों में भेद यह है कि हिपरसल्फ में पस के साथ साथ ब्लड की भी मात्रा होती है और उस स्थान पर अत्यधिक दुखन व जलन होती है। अगली मेडिसिन पैरोजन। इस मेडिसिन के रोगी में सेप्सिस की कंडीशन हो जाती है जिसके कारण इन्फेक्शन पूरे ही शरीर में फैल सकता है। रोगी का पल्स रेट बहुत ही तेज अधिक गति से चलता है और कपकपी के साथ साथ तेज बुखार भी आता है। त्वचा ठंडी व पसीने से भीगी हुई रहती है। बहुत ही गहरे अल्सर के साथ साथ बहुत ही दुर्गंधित डिस्चार्ज होता है। तेज बुखार में रोगी अत्यधिक बोल सकता है, तेज गति से बोल सकता है। प्रत्येक मेडिसिन को 30 की शक्ति में एक बूंद प्रातः व एक बूंद रात्रि के समय 2 चम्मच पानी में डालकर लें। जैसे ही आराम देखने को मिले तुरंत मेडिसिन बंद कर दें व दोबारा मेडिसिन तब तक ना लें जब तक आराम हो रहा है। अगर कुछ आराम मिलने के बाद फिर से रोग के लक्षण बढ़ते हुए दिखाई दें तो मेडिसिन की मात्रा 30 से 200 की शक्ति लें। लाभ ना मिलने पर कोई भी मेडिसिन ना लें, तुरंत सारी मेडिसिन बंद कर दें और अपने लक्षणों को होम्योपैथिक चिकित्सक से डिस्कस करें। कोई भी मेडिसिन चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं लेनी चाहिए। अगर आप किसी रोग के बारे में या किसी रोग की चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।